हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रिसा डिजाइनर बोल रही हूँ। चलिए आज मैं बताऊंगी कटोरी ब्लाउज किस तरह से कट किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर 80 cm कपड़ा लिया है और लाइलन भी आप 80 cm ही ले लेना। देखिए हैंड यहाँ पर मैं किस तरीके से कट करना है, देखिए मैं बता रही हूँ। देखिए मेरे हैंड यहाँ पर टोटल लेंथ 17, तो मैं प्लस 1 करके 18 इंच ले रही हूँ। देखिए नीचे में कपड़ा एक्स्ट्रा लगाकर फोल्ड करूँगी, इसलिए 1 इंच ही मैंने प्लस लिया है। देखिए, और यहाँ पर 3 इंच नीचे मैं माइनस सेव करूँगी, क्योंकि हैंड इस तरीके से कट किया जाता है। देखिए किस तरीके से कट कर रही हूँ मैं। मैं दिखा रही हूँ बैक पार्ट किस तरह से कट किया जाता है। देखिए नीचे यहाँ पर बॉर्डर है। चलिए देखिए, मेरे यहाँ पर बैक पार्ट का लेंथ टोटल लेंथ है 13.5, तो मैं प्लस 1 करके 14.5 ले लूँगी। देखिए यहाँ पर मैं एक आर्म्स के पास एक लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ पर मैं चेस्ट ले रही हूँ 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ पार्ट है 10 इंच। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 इंच ले रही हूँ, देखिए, और यहाँ पर मैं प्लस 3 करके ले रही हूँ 13 इंच, क्योंकि मुझे ज़्यादा कपड़ा चाहिए। देखिए आप चाहे तो आप 2 इंच ही ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा कपड़ा चाहिए इसलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आर्म्स के पास मैं ले रही हूँ 5.5, आप चाहे तो 6 ले सकते हैं, मुझे 5.5 ही चाहिए। और मैंने यहाँ पर नीचे 6 लिया है, क्योंकि हैंड्स के मोहरी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने 6 लिया है यहाँ पर। देखिए इस तरीके से राउंड शेप कर देंगे। कि मैंने यहाँ पर बैक नेक 2 इंच लिया हूँ और नीचे 10 इंच पे ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से लेना है, और नीचे में 2.5 ले रही हूँ। देखिए किस तरीके से ले रही हूँ मैं। ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को ही फ्रंट पार्ट में यूज़ किया है। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को रखा है 1 इंच ऊपर। देखिए किस तरीके से रख रही हूँ, देखिए टोटल हमारा 16 लेंथ हुआ है। देखिए यहाँ पर, और सेम एज इट इज मार्क कर दूँगी। देखिए मैंने साइड में थोड़ी कम लिया है, क्योंकि हमें कटोरी बड़ा करना है। देखिए नीचे में 4 इंच ले रही हूँ बेल्ट के लिए, और उधर साइड 3.5। देखिए किस तरीके से लेना है, और मैं यहाँ पर नेक ले रही हूँ 2 इंच। देखिए इस तरीके से लेना है, और नीचे हमें 6 पर मार्क करनी है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से लेना है, इस तरह से लेंगे, राउंड शेप कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2.5, और मिडिल में 2.5, और यहाँ पर मैं 4.5 ले रही हूँ। देखिए कटोरी को इस तरह से ड्रॉ किया है, देखिए इस तरीके से कटोरी ड्रॉ किया है मैंने। देखिए मैं यहाँ पर कटोरी बड़ा करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से कटोरी बड़ा करना है, देखिए इस तरीके से कटोरी रखना है, और इस तरीके से राउंड शेप दे देना है, और ऊपर की तरफ 1 इंच। देखिए मैं हैंड पे ड्रॉ कर रही हूँ, और इधर साइड 1 इंच, और नीचे 1 इंच है। देखिए ये कटोरी जो है थोड़ी बड़ी है, इसलिए
मैं बड़ा कर रही हूँ, आप चाहे तो थोड़े छोटे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से मैं कर रही हूँ। दूसरा कटोरी है जो वो कोई काम के नहीं है, वो फेंक देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं साइड को पार्ट को थोड़ी कट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा लेंथ है 13.5, मुझे बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, इसलिए मैं कट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर 11.5 आ रहा है, तो हमारा ठीक है। देखिए यहाँ पर कटोरी को देखिए हमेशा क्रॉस में ही रखना है, कभी सीधा मत रखना है, क्रॉस रखने से शेप बहुत अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से क्रॉस आता है। देखिए मैंने यहाँ पर कटोरी किस तरह से कट कर रही हूँ। देखिए मैंने कटोरी को थोड़ी से साइड में बड़ा कर रही हूँ, देखिए, क्योंकि हमारा प्लेट जो है ज़्यादा है इसलिए, और कटोरी का साइज़ भी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं साइड में थोड़ी सी बड़ा कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन लगा कर सब स्टिच कर लिया है हैंड में। देखिए अब मैं देखिए प्लीट लगाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पर किस तरह से प्लीट लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ 5.5 ले रही हूँ और नीचे 10 इंच में एक प्लीट लगाऊंगी और नीचे 1 इंच छोड़कर एक प्लेट लगाऊंगी, इधर 4 इंच लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से, देखिए, और यहाँ पर भी साइड 1 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर भी 1 इंच इस तरह से प्लेट लगाना है। देखिए मैं यहाँ पर 1.5 मेरा प्लेट है, मैं 1.5 ले रही हूँ प्लेट को, इस तरह से स्टिच कर लेनी है सब। देखिए कटोरी को ऊपर पार्ट को ऊपर से नीचे तक अटैच कर लेनी है। देखिए इस तरीके से, देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे
देखिए थोड़ी सी कपड़ा बच रही है, मैं कट करके निकाल लूँगी और देखिए इस तरीके से एक स्टिचिंग लगा लूँगी देखिए। और यहाँ पर नीचे जो कट किया है छोटा नहीं होगा, देखिए यहाँ पर 11.5 आ रहे तो छोटा नहीं होगा, तो उससे भी ज़्यादा छोटा होगा तो प्रॉब्लम है। 11 आएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, 10.5 पे आएगा चलेगा, बैंड पट्टी थोड़ा बड़ा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे बैंड पट्टी किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर हुक लगाने की पट्टी कर रही हूँ, देखिए किस तरीके से हुक लगाने की पट्टी हमेशा उल्टा रखना है। देखिए इस तरीके से रखने से बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आता है। देखिए मैं किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। अब देखिए मैं हुक लगाने की पट्टी बताऊंगी किस तरह से करना है। देखिए यहाँ पर 2 इंच का हुक पट्टी लेना है यहाँ पर और स्टिचिंग कर लेना है। देखिए किस तरह से कर रही हूँ। Thank you.
देखिए यहाँ पर मैं बैक में लेस लगाऊंगी, इसीलिए देखिए मैंने उल्टा रख कर स्टिच कर रही हूँ। देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर लिया है नीचे, और आप देखिए यहाँ पर मैं बैक की प्लीट लगाने जा रही हूँ, 4 इंच पे रख कर लगा रही हूँ। देखिए दोनों पार्ट को। देखिए अब मैं स्टिच कर रही हूँ। देखिए आर्म्स को, देखिए यहाँ पर आर्म्स किस तरह से स्टिच किया जाता है। देखिए आर्म्स को थोड़ी सी, देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है, थोड़ी सी डाउन करके स्टिच करना है, क्योंकि आर्म्स जो गिर जाता है, जो कंधा हमारा गिर जाता है वो नहीं गिरेगा थोड़ा डाउन स्टिच करने से। कि फ्रेंड्स अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाकर सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक बटन प्रेस करने से मेरे जब भी वीडियो अपलोड होगा आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेट को बराबर रखना है, हैंड्स को। देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से कर रही हूँ। पार्ट का जो हिस्सा है, देखिए यहाँ पर कपड़ा फूल के आ जाता है। यदि आप मिडिल में थोड़ी सी कपड़ा निकाल कर स्टिच करेंगे, देखिए आर्म होल के बीच में, तो यहाँ पर कपड़ा फूल के नहीं आएगा। देखिए नीचे मैंने यहाँ पर 5½ लिया है हैंड का फिटिंग, और मैं मिडिल लेंथ में देखिए मैं यहाँ पर 7 इंच लिया है। मैंने नीचे ड्रॉ फ्ली एक स्टिच लगाया है, देखिए। चलिए आप मैं फिटिंग करना कैसे बताऊँगी। देखिए यहाँ पर मैंने मिडिल में देखिए ले लिया है 10 इंच, यानी कि 40 इंच, फोर्थ पर 10 इंच लिया है। देखिए इधर भी मैंने 10 इंच लिया है, और नीचे 8 इंच लिया है। मैंने दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए 8 इंच पे देखिए इस तरह निशान लगाएंगे, फिटिंग लगा लेंगे।